ओके हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिमरन मलिक। मैं खड़ी हूँ सिंगापुर में सिलोसो बीच पे। अगर आप ये लोग वीडियो देख रहे हो तो आप या तो सिंगापुर आने का प्लान कर रहे हो या फिर आप इस होटल को चेकआउट करना चाहते हो यूट्यूब पे कि व्हाट इज़ द रिव्यू एंड हाउ इज़ दिस रिजॉर्ट। सो माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ नॉट चेकिंग आउट एनी प्रॉपर्टी एंड दिस हैज़ केम अप विद अ गुड रिजल्ट। Why? Because पहली चीज़ तो ये एकदम बीच के पास है, दूसरी चीज़ यहाँ का जो ग्रीनरी एरिया आप मेरे आसपास भी देख सकते हो, इट इज़ सुपर डुपर गुड। और द बेस्ट पार्ट इज़ अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मज़ेदार बारिश आ रही है जिसने मेरा मूड को हैप्पी कर दिया। सो चलो अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। चलो मैं आपको पहले पूल साइड दिखाती हूँ ऊपर, कि ऊपर से पूल देखने में कैसा लगता है। और उसमें 100% स्प्रिंग वाटर आता है वाटरफॉल से और वो स्विमिंग पूल तक जाता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। नेचर को प्यार बहुत किया गया है इसलिए स्टोन और वुड से टेबल चेयर बनाया हुआ है जिसपे आप आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर सकते हो मॉर्निंग में। पीछे ये ओपन स्मोकिंग एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए खेलने के लिए। ये सी सॉ एंड दिस बेबी कार्ट है, वहाँ पे आप आराम से अपना इवनिंग इंजॉय कर सकते हो। उधर स्विमिंग पूल है, ये पूरा गाइस इट्स अ स्विमिंग पूल एरिया। बच्चे नहा रहे हैं उधर। सो गाइस दिस इज द स्विमिंग पूल एरिया और आप देखो कितना ही लंबा ये स्विमिंग पूल है। उसके अलावा ये जो वाटरफॉल आ रहा है ये स्प्रिंग वाटर है थ्रू आउट। इस स्लाइड को आप करते हुए खेलते हुए आ सकते हो पानी में। ट्यूब्स है जिसको आप एंजॉय कर सकते हो पानी में रेस्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जब घूम के दिखा सकते कि पूरा स्विमिंग पूल की लेंथ देख रहे हो गाइस, कितना मज़ेदार है ये। आई हैव नॉट एंजॉयड इट टिल येट बट देख के ही मज़ा आ रहा है कि इसको एंजॉय करना बनता है। वाटर फाउंटेन्स है जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। ये मुझे सबसे क्यूट लगता है किसी भी जगह पे। ये मुझे बाली में भी पसंद आया था, मुझे अभी पसंद आ रहा है। बहुत ही सुंदर है ये भी। अपना आराम से बहते हुए पानी को देखो इस पे लेटे हुए, बहुत ही मज़ेदार होगा। वाटर फाउंटेन रात को ये पानी की आवाज़ और ये लाइटनिंग और ये बहता हुआ पानी और ये ग्रीनरी और स्टार और ये स्विमिंग पूल ये रूम एवरीथिंग इज सुपर डुपर गुड। गाइस चार्जेस जो इस रिजॉर्ट के पड़े हैं वो 13,000 rupees पड़े हैं फॉर अ डे फॉर अ रूम, बट इन वन पैकेज यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट्स एक्चुअली वर्थ इट। क्योंकि आप एनी विच वे सेंटोसा घूमने के लिए आओगे ही सिंगापुर में, तो ये जगह आप वाटर स्पॉर्ट्स भी इंजॉय करोगे और दो दिन आपको आना ही पड़ेगा, एक दिन में कवर होगा नहीं। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ वर्थ कमिंग। एंड मैं सिर्फ ये कंपैरिजन करना चाह रही हूँ कि सिटी में रहना फ़ायदेमंद रहेगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी अभी तक येस दिस साइड इज़ बेटर। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द सिंगापुर विद सिटी लाइफ, सो लेट्स गो एंड चेक आउट वेदर दिस इज़ बेटर और दैट वन। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल बटन, सब्सक्राइब करो चैनल को। बहुत कुछ लेके आने वाली हूँ। आई एम श्योर दिस वीडियो दिस चैनल विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू इफ यू आर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर। इन केस यू आर ट्रैवलिंग टू एनी ऑफ द सिटी एंड कंट्री एंड यू वॉन्ट मी टू ट्रैवल टू दैट कंट्री, आई विल बी देयर। जस्ट फीडबैक में कॉमेंट करो और मुझे बताओ कि मैं नेक्स्ट कहाँ जाऊँ और आप लोगों के लिए क्या क्या नया लेके आऊँ। सो स्टे कनेक्ट। ये वाटरफॉल है, इस वाटरफॉल से आओ, इस स्लाइड में जाओ और स्लाइड से सीधा जकूजी में जाओ, जकूजी से सीधा स्विमिंग पूल। अच्छा उधर अलग है, ये स्लाइड के बस एंड है।
स्विमिंग एट वॉटरफॉल पार्क, उसके बाद फिर स्लाइड, अब बैठी ट्यूब में, चारों तरफ ग्रीनरी ऐसे लगा, फॉरेस्ट के बीच में एक स्विमिंग पूल है, नहा रही और बहुत मज़ा आ रहा है। बेस्ट पार्ट ऑफ द सीढ़ी से तो आ गए आओ पलटी गई है एक गिर गई उसको बैठी थी पलट गई पैर में चोट लग गई पैर में चोट लग गई कैसे सीढ़ी लग गई सीढ़ी तो बात चल सीढ़ी थोड़ी चढ़ना था यार वो पलट गई ना यार सीढ़ी तो करने ही नहीं था चलो चलो बैठो कैसे बैठो बैठो इसी के ऊपर बैठना पड़ेगा वहाँ से बैठ के वही करना पड़ेगा ऑप्शन आई विल शो यू दैट रूम कि कैसा है क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है और वाई आई हैव बुक दिस प्रॉपर्टी एंड वाई यू शुड बुक दिस प्रॉपर्टी सो लेट्स गो इनसाइड ओके सो गाइज वाई आई हैव बुक दिस प्रॉपर्टी एंड Why this room is good? I'll tell you. पहली चीज़ तो जब हम सिटी में बुक करते हैं तो बहुत शोर शराबा होता है रात में आसपास हमें चाहिए थी शांति भरा सुकून वाली जगह तो हम खड़े हैं रिजॉर्ट वाली जगह पे और हम खड़े हैं बीच वाली जगह पे और हम खड़े हैं सुकून भरी वाली जगह पे पहली चीज़ तो एंटर करते ही रूम छोटा सा है ज़्यादा बड़ा है नहीं सो गाइस एंटर करते ही ये छोटा सा कमरा आपको नज़र आएगा बट हमने और भी होटल सिंगापुर में देखे थे वो इससे भी ज़्यादा छोटे थे सो वी थॉट दैट दिस प्रॉपर्टी इज़ एटलीस्ट मच बेटर lot of things are available rather than we booked in city okay so right hand side is the washroom left hand side is the wardrobe slider hai thoda sa messy hai hum chupane ke band kiya hua hai kyunki bahut hum log ko aaye hue already ek din ho chuka hai this is the bed this is the table area yahan pe aap baith ke apna aaram se kha pi sakte ho ya apna office work kar sakte ho side tables hai this is the view which we got I'll just show you बारिश आ रही है मस्त वाली तो आपको व्यू और भी अच्छा नज़र आ रहा होगा बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ इसकी खासियत यहाँ पे बैठ के आराम से आप लोग बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हो अभी आई डोंट नो आपको लोगों को कितना दिख रहा है बट पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको पूरा बीच नज़र आएगा सो हार्डली 1 मिनट ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस आप यहाँ से उतरो एक फ्लोर नीचे अक्रॉस द रोड देर इज़ अ बीच सो बेस्ट पार्ट इज सिलोसो बीच इज देयर इन द रिजॉर्ट एंड ईजिली एक्सेस टू एवरीबडी एनी वन कैन कम एंड एन्जॉय दैट बीच पास ही में आपको शटल्स मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट यू जस्ट सिट ऑन दैट शटल देन यू कैन गो टू पालवान बीच देन यू कैन गो टू तेंजुंग बीच स्काई पार्क इज बंजी जंपिंग पास में है ल्यूक पास में है बीच रिजॉर्ट पास में है और मोनो ट्रेल पास में है और 11-7 पास में है आई फ्लाई पास में है वॉट एल्स आई मीन वॉट एवर यू थिंक ऑफ एवरी थिंग विल बी नियर बाय टू दिस प्लेस एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ग्रीनरी इज़ ऑल अराउंड एंड आपको जो सांस जो दिल्ली में जो सिटीज़ में आपको नहीं मिलती वो यहाँ पे फ्रेश एयर आपको मिलेगी एंड दैट टू विद अ पीसफुल माइंड रात का मौसम बहुत सेक्सी होता है यहाँ पे और रात में जब बीच पे आप वॉक करते हो इतनी सुकून भरी शांति में तो वो अमेजिंग एक अलग ही मज़ा है सो अगर आप ये होटल बुक करने का सोच रहे हो तो डोंट थिंक ट्वाइस टू बुक दिस होटल दिस इज़ एन अमेजिंग प्रॉपर्टी दैट यू शुड गो अहेड विद अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर रिजॉर्ट है कैसा अभी तक तो मैंने आपको कमरा दिखाया वाई दिस रिजॉर्ट वी हैव बुक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है एंड स्लाइड्स है स्विमिंग पूल में कोई भी जा सकता है ट्यूब्स हैं बच्चे फैमिली मेम्बर साथ में इंजॉय कर सकते हैं बीच एक्सेस है नीचे रेस्टोरेंट है बहुत सारी चीज़ें हैं सो लेट्स गो एंड शो यू दैट सो गाइस जैसा मैंने आपको बताया था ये 100% स्प्रिंग वाटर है जो कि आ रहा है ऊपर से टू द स्विमिंग पूल जो कि गार्डनिंग के लिए लैंडस्केपिंग के लिए और आउटडोर मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है उसके अलावा रूफ टॉप गार्डन है यहाँ पे हम लोग अभी तक गए नहीं हैं सो आई रिकॉर्ड दैट ऑल्सो फॉर यू हम लोग रूफ टॉप गार्डन भी देख कर आएँगे उसके अलावा वॉट एल्स डू वी हैव इन दिस रिजॉर्ट द विला विंग विला विंग वॉट इज दिस देर आर 12 विलाज ओके उसके अलावा ओ वाओ सो दिस इज द जकूजी जो मैंने आप लोगों को बोला अपना आराम से बैठो चिल करो जकूजी इन्जॉय करो और अपनी इवनिंग अपनी डे अपनी नाइट अपनी मॉर्निंग इस जकूजी के साथ इस रिजॉर्ट के साथ एंजॉय करो आई थिंक
13,000 रुपये में वर्थ इट है बुक करना ये, और आई डोंट थिंक एनीवन शुड थिंक ट्वाइस फॉर बुकिंग दिस, बिकॉज जब मैं बुक करने लगी थी और मैंने देखा कि रूम के साइजेस बहुत छोटे छोटे हैं, पहले दुबई गई थी तो दुबई में भी देखा था, ये तो दुबई से छोटी छोटी कोठरियाँ थी जो बुक हो रही थी, मगर यार बुक तो कर लिया है बट मैं इतने छोटे रूम में पता नहीं स्टे कर पाऊंगी नहीं पाऊंगी, बट बहुत कम चीज़ें भी साथ में मिल रही थी, जैसे जकूजी नहीं था, स्विमिंग पूल नहीं था, रूफ टॉप गार्डन नहीं था, मल्टीपल चीज़ें जो आपको यहाँ पे मिल रही हैं, तो मैंने वो देखते हुए रूम का साइज भी बड़ा देखते हुए उतने ही पैसों में ये बुक कर लिया, विच वॉज वर्थ बुकिंग। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सिटी लाइफ ऑफ सिंगापुर, हम लोग जा रहे हैं नाइट सफारी के लिए, हम लोग जा रहे हैं मालन पार्क के लिए, हम लोग जा रहे हैं बहुत सारी लिटिल इंडिया, चाइना टाउन, बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं अभी बज रहा है 4, हम लोग कितनी जगह कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सो लेट्स सी, लेट्स गो एंड स्पेंड आवर डे विद वर्थफुल एक्सप्लोरिंग सिंगापुर, लेट्स गो। डायनासोर की हड्डियां रिजॉर्ट के अंदर है, कौन सी हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पूछ की हड्डी, हाँ पूछ की हड्डी है, टेल की हड्डी है, ये है सिल्लासो बीच रिजॉर्ट।